अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल शऊर इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है उबैद। अगर आपका नाम उबैद है या अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत बेटे से नवाजा है और आप उसका नाम उबैद रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि आज हम उबैद नाम के साथ जुड़ी हुई कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक उबैद की जानिब। उबैद की उर्दू इमला में जो हर्फ इस्तेमाल होते हैं वो हैं आयन, बे, ये और दाल, जबकि इंग्लिश में इसके स्पेलिंग यू बी ए आई डी के साथ किए जाते हैं। जिनसी तौर पर उबैद नाम लड़कों के लिए मखसूस समझा जाता है, मजहबन ये एक मुस्लिम नेम है। हमारी रिसर्च के मुताबिक उबैद नाम का बेसिक रिलेशन अरेबिक लैंग्वेज से है। इल्मुल आदाद और इल्मे जफर के माहिरीन के मुताबिक इसका लकी नंबर 5 यानी खुशकिस्मती का अदद 5 को समझा जाता है। इसके लिए खुशकिस्मती के अय्याम में इतवार और मंगल यानी संडे और ट्यूसडे के दिन शामिल हैं। इसके लिए खुशकिस्मती के रंगों में सुर्ख, जंगनुमा और हल्का सब्ज कलर शामिल हैं। खुशकिस्मती का पत्थर पुखराज को समझा जाता है और खुशकिस्मती की धात तांबा। इल्मुल आदाद और इल्मे जफर के माहिरीन के मुताबिक ये चीज़ें यानी खुशकिस्मती की धात, पत्थर, रंग, दिन और लकी नंबर वगैरह आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, जबकि इस्लामी नुक्ते नज़र से इन चीज़ों में ऐसी कोई खासियत नहीं पाई जाती। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक उबैद नाम के मतलब की जानिब। तो उबैद का मतलब होता है वफादार, काबिल एतबार या बंदा। अगर आपका नाम उबैद है, मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आपको नेक, तंदरुस्त, सेहतमंद, सालहे तबीयत अता फरमाए। और अगर आप अपनी औलाद का या अपने बेटे का नाम उबैद रखना चाहते हैं तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसे नेक, सालहे और फरमाबरदार बनाए। इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए नाम की तफसीलात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।